हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पूरी सेवैया सब्जी सलाद की थाली लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सडनली कोई गेस्ट आ जाए तो हम ये रेसिपी फटाफट तैयार कर देते हैं। देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी और समय भी बहुत कम लगता है। तो हमने सेवैया बनाया है आलू परवल की सब्जी ग्रेवी वाली, सूखी भिंडी की सब्जी, ककुम्बर सलाद और गर्मा गर्म पूरी सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, ये थाली की रेसिपी हमारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। पूरी सब्जी सेवैया के लिए हम दो सब्जी बनाएंगे। तो वो सब्जी होगी एक भिंडी की और एक आलू परवल की। और एक बात ध्यान रखें, ये सब्जी हम बिना लहसुन प्याज वाला बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जी को छिलके हटा के धो के सुखा लिए हैं। अब हम आपको काटना बताएंगे। तो हम एक दूसरा प्लेट ले लेंगे और इसमें हम पहले आपको आलू काटना बता दे रहे हैं। तो आलू को हम बीच से ऐसे दो पीसेस कर लेंगे। फिर इसके हम पतले पतले पीस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी आलू है। छोटी आलू हो तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक आलू में से छोटे छोटे ऐसे पीसेस करेंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे हम सभी आलू को काट लेंगे। हमने आलू को एक ही साइज का काटा है। एक साइज की आलू कटने का मतलब है कि सभी सब्जियां एक साथ अच्छे से पक जाती हैं। अब हम आपको परवल काटना बताएंगे। तो हमने परवल के छिलके हटा लिए हैं, दोनों पॉइंट को काट दिया है। अब हम इसको बीच से ऐसे कट लगाएंगे। परवल कई तरह से काटा जाता है, लेकिन ये मेरा तरीका है। तो उसके हमने दो टुकड़े किए और इसके बाद हम इसके बीचों बीच चीरा तो लगाएंगे, पर ये लास्ट वाली जो पॉइंट है उसको ज्वाइंट रखेंगे। ऐसे ही हम सभी परवल को काट लेंगे। हम दूसरा परवल भी बता दे रहे हैं, बीचों बीच हमने काटा, उसके दो टुकड़े किए, फिर उसके बीच से हमने चीरा लगाया। ऐसा करने से क्या होता है, सब्जी फ्राई कीजिए तो अच्छे से फ्राई होता है, ग्रेवी में डालिए तो अच्छे से ग्रेवी अब्जॉर्ब करता है। तो चलिए हम बाकी के भी परवल काट लेते हैं। तो हमने सभी परवल को काट लिया। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाही रख लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो आप जो भी तेल खाते हैं वो ले लीजिए। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे जीरा। जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा चटक चुका है, उसका कलर देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो करके ही परवल डालेंगे, नहीं तो तेल उड़ता है। तो हम धीरे धीरे परवल को किनारे से ऐसे छोड़ देंगे और चलाते हुए इसे हम 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। यानी कि हमको परवल को सॉफ्ट होने तक भूनना है और बीच बीच में चलाते रहना है। परवल को हमें बीच बीच में चलाते रहना है। परवल
परवल को चलाते हुए हमें 5 मिनट तक भूनना है। आपको दिखा रही हूँ, परवल जो है दोनों साइड से अच्छे से भून चुका है। आप देख सकते हैं कि परवल में ऐसे ऐसे धब्बे आए हैं भूनने जैसा। अब हम इसी के साथ ये कटा हुआ आलू भी भूनेंगे, तो इसे भी हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। इसे हमें बीच बीच में चलाते ही भूनना है। मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से भूनेंगे। आलू डालने के बाद हम अब इसे कवर करते हुए भूनेंगे, जिससे कि आलू अपनी पकती रहेगी। तो हम इसके ऊपर कवर करके और 2-2 मिनट पे चला चला के पकाएंगे। ढक्कन हटा हटा के हम आलू को फ्राई किए हैं। ऐसे हमने चलाते हुए आलू को फ्राई किया है। परवल आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे एक दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। आलू परवल फ्राई हुआ है, अब हम इसे एक चम्मच से एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा तेल हम इसी में रहने देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही बढ़िया परवल आलू फ्राई हुई है। ऐसे फ्राई की हुई आलू परवल की सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। अब जो तेल बची है उसी में हम एक चम्मच और तेल डाल देंगे और उसमें हम फोरन डालेंगे। तो फोरन में हम कड़ी पत्ता, अदरक जिसे हमने लंबे लंबे काट लिया है, हरी मिर्च जिसे हमने पीस से 2 टुकड़े में कर लिया है। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और इसमें हम टमाटर डालेंगे जिसे हमने बारीक काट लिया है और इसे हम 1 मिनट तक कैनी सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम इस स्टेज पे मसाला ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स करके और भूनेंगे। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाला भूनेंगे, तभी जाके ग्रेवी जो है बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। मसाला ड्राई थी तो हम थोड़ा सा पानी डाल के और ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। जब हम ग्रेवी वाली परवल बनाते हैं तो ग्रेवी को अच्छे से तैयार किया जाता है। हमें तो बिना लहसुन प्याज की तैयार करनी है, तो हम टमाटर के साथ मसाले को बहुत ही बारीकी से भूनेंगे, तब जाके ये ग्रेवी वाली सब्जी टेस्टी तैयार होगी। आप देख सकते हैं अपनी टमाटर जो है मसाले के साथ एकदम मिक्स हो गई है, तो ये ग्रेवी बहुत टेस्टी लगेगी। अब इस स्टेज पे हम फ्राई किया हुआ आलू और परवल डाल देंगे और इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 1.5 मिनट हम मसाले के साथ इसे भून लेंगे। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। मसाले के साथ हमने सब्जी भून लिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो हमें पानी अंदाज से डालना है, हमें ग्रेवी की थिकनेस कैसी चाहिए ये हम देख के रस्सा डालेंगे। तो हम इसमें
डेढ़ ग्लास पानी डाल रहे हैं क्योंकि पकने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी जो है गाढ़ी हो जाती है और ये पूरी के साथ खाने में बहुत ही मजेदार लगती है। तो अब हम सब्जी को मिक्स कर लिए, अब हम कवर करके इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे तेज फ्लेम पे, फिर आपको बताएंगे। जब तक परवल की सब्जी पक रही है तब तक हम भिंडी की कटिंग कर लेते हैं। तो भिंडी को हमने धो के सुखा लिया है, अब हम इसे एक प्लेट में ऐसे लेंगे, उसके आगे वाले पीछे वाले पॉइंट को काट के हटा देंगे और इसको बीच से हम चीरा लगा के ऐसे सेक कर लेंगे और फिर इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे क्योंकि हम भिंडी की सूखी सब्जी बनाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी सब्जी भी काटेंगे भिंडी की। हमने सभी भिंडी को एक साइज का काट लिया है। तो चलिए हम अब परवल की सब्जी चेक कर लेते हैं, वो तैयार हो गई होगी। सब्जी का हम ढक्कन हटाएंगे। अरे वाह, क्या सुंदर कलर आया है। अब एक बार हम चला के आपको दिखा दे रहे हैं। ऐसे हम सब्जी को एक बार चेक करेंगे, कितनी बढ़िया आपकी सब्जी तैयार हुई है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। धनिया पत्ता से टेस्ट और बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के गरम मसाला डालेंगे, इससे सब्जी की टेस्ट और भी सुंदर हो जाती है। गरम मसाला धनिया पत्ता डालने के बाद हमें सब्जी को ज्यादा नहीं पकाना है, जस्ट मिक्स करके और गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। आपको एक बार फिर से सब्जी की थिकनेस दिखा देती हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बिना लहसुन प्याज वाली परवल आलू की हमने ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है। ये बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। तो हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और 2 मिनट तक हम कवर करके छोड़ेंगे जिससे कि गरम मसाला अच्छे से ऑब्जर्व कर ले सब्जी। तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई ले लिया है, अब हम गैस को ऑन कर लेंगे। ये पहले वाली ही कढ़ाई है जिसे हमने क्लीन कर लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फोरन यानी कि सूखी मिर्ची का फोरन डालेंगे। तो मिर्ची को हम 2 टुकड़े में तोड़ के डालेंगे। भिंडी की सब्जी में सूखी मिर्ची का फोरन हो और सरसों का तेल हो तो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। मिर्च को हम हल्का सा सेकने देंगे। आप देख सकते हैं मिर्च का कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब हम इस स्टेज पे भिंडी को डाल देंगे। तो ये ताजी ताजी भिंडी कटी हुई हो जो देखने में इतना सुंदर लगता है, बनाने में भी मजा आता है। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे पेस्ट के साथ। भिंडी को हम मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे, हमें ढकनी नहीं बनाना है, खुले हम इसे भूनेंगे। भिंडी को हम बीच बीच में चलाते रहते हैं क्योंकि ताजी ताजी भिंडियों में नेचुरल रस जो है वो छोड़ता है, यानी कि आप देख सकते हैं ये लार जो है ऐसे तैयार होता है। तो हम इसे चलाते हुए सुखा लेंगे, सभी सब्जी बढ़िया तैयार होती है। भिंडी को हमने 4 से 5 मिनट तक तेल में ऐसे भून लिया है, अब हम इसमें मसाला डालेंगे। तो हम सबसे पहले हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें ऐसे चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे। भिंडी की सब्जी में हम मसाला को ऐसे चारों तरफ फैलाते हुए डालते हैं क्योंकि ये जहाँ पे पड़ता है वहाँ चिपकने लगता है। सूखी सब्जी में कभी भी आप मसाला को ऐसे फैलाते हुए डालिए
तो हमने यहाँ पे 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हर एक भिंडी में मसाला जो है अच्छे से चिपक चुका है। अब हम फ्लेम एकदम स्लो करके और भिंडी को 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, तो नमक भी हम फैलाते हुए डालेंगे। मसाला डालने के बाद हम भिंडी को 2 से 3 मिनट तक स्लो फ्लेम पे भून लिए हैं। अब हम डालेंगे इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स, तो वो होगा गरम मसाला। मसाला भी हम फैला के ही डालेंगे और लास्ट में डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से भिंडी की सब्जी बहुत ही सुंदर टेस्टी होती है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं भिंडी की सूखी सब्जी हमने कितने बढ़िया से बनाया है, कम तेल लगा है, भिंडी की हरी हरी कटिंग जो है वो दिख रही है। ऐसे हम अब 2 ही मिनट तक पकाएंगे, फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार सब्जी को मिक्स कर ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भिंडी हरी हरी दिख रही है, इसका चिपचिपाहट बिल्कुल चला गया है, मसाले की कोटिंग भी अच्छे से हो गई है। तो ये है अपनी परफेक्ट भिंडी की सूखी सब्जी। अब इस स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है, हमने ये दूसरी सब्जी भी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं हम सेवैया बनाने। सेवैया भुनने के लिए हम दूसरे फ्लेम पे एक कढ़ाई रख लिए हैं, गैस को हम ऑन कर देंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। सेवैया देसी घी में फ्राई किया जाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। घी गर्म हो चुका है, अब हम उसमें ये बारीक कटा हुआ ड्राई फ्रूट डाल देंगे और साथ में हमने जो 2 इलायची लिया था उसको दरदरा कूट लिया है, उसे भी डाल देंगे। घी में ड्राई फ्रूट्स और इलायची भूनने का टेस्ट अलग ही आता है। अब हम इसे कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे, हमें जलने नहीं देना है, हल्का सा रोस्ट करना है इसे। तो आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसी में डाल देंगे अपनी सेवैया और इसे भी हम चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये सारे प्रोसेस हमें फ्लेम स्लो करके करना है, जिससे कि जले नहीं। कंटिन्यू चलाते हुए हम सेवैया को भूनेंगे। आप देख सकते हैं हमने ड्राई फ्रूट्स इलायची के साथ घी में सेवैया भून लिया है। सेवैया का कलर कितना सुंदर आ गया है, एकदम गोल्डन कलर में। अब हम इस स्टेज पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और गर्मा गर्म सेवैया हम उबलते हुए दूध में डालेंगे। आप देख सकते हैं दूसरे फ्लेम पे हमने दूध को उबाल लिया है, अब इसी में हम गर्मा गर्म भुना हुआ सेवैया छोड़ेंगे। हाँ, ध्यान रहे गैस का फ्लेम स्लो कर लेना है और धीरे धीरे सेवैया छोड़ना है, क्योंकि दूध के छींटे ना आए हाथ पे। तो ऐसे हम धीरे धीरे सेवैया को दूध में छोड़ देंगे। सेवैया डाल के हमने मिक्स कर लेना है और इसे हमें 2 ही मिनट तक दूध के साथ पकाना है। अब हम सेवैया को चलाते रहेंगे और दूध में पका लेंगे। सेवैया को हमने 2 मिनट तक दूध के साथ उबाल लिया है, अब हम डालेंगे इसमें शक्कर। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, कोई कोई मीठा सेवैया पसंद करता है, कोई कोई कम मीठा पसंद करता है, तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार डालिए। तो अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, ये बाज़ार में बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसको डालने से सेवैया में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है।
आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, इलायची डाल के भी सेवैया बनाई जाती है। अब हम शक्कर को आधे मिनट तक सेवैया के साथ पकाएंगे। सेवैया पक चुकी है, अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ठंडा होने के बाद सेवैया गाढ़ी होती है, तो हम इसे ढक के रख देंगे, थोड़ी देर बाद सर्व करेंगे। तब तक हम पूरी की तैयारी कर लेते हैं। चलिए हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो हम एक ट्रे में आटा डालेंगे, एक कटोरी आटा यहाँ पे हम ले रहे हैं। आटा को हमने पहले ही छान के रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक हम यहाँ पे आधा चम्मच ले रहे हैं, और आटे को हम थोड़ा सा ऐसे बीच में जगह बना के एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे पूरी जो है बहुत ही खासा तैयार होती है। हमने तेल को आटे के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंदेंगे। वैसे तो आटा गूंदने सबको आता है, लेकिन हम थाली दिखा रहे हैं तो आटा गूंदना भी दिखा दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा को हमने मसल मसल के एक बढ़िया सा डो तैयार किया है, न ज़्यादा कड़क है न ज़्यादा नरम है। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। तो हम आटा का लोई तोड़ेंगे। आटा को ऐसे लेना है और ऐसे एक रोल बना के एक साइड की लोई काट लेनी है। आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उतने बड़े बड़े पेंडे तोड़ लीजिए। सबसे पहले लोई को ऐसे मसलना है। तो हम यहाँ पे 5 से 6 पूड़ियाँ आपको बना के दिखाएंगे। हमने आटे की लोई तैयार कर ली है पूरी के लिए। अब हम एक लोई लेंगे और चकले पे ऐसे अंगुलियों से पेस करके बेलन की मदद से हम इसे गोल बेलेंगे। पूरी बनाने तो सबको आता ही है, पर मैं अपना स्टाइल दिखा दे रही हूँ। तो हम इसी साइज की पतली पतली पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। दूसरी लोई लेंगे और इसे हम ऐसे घुमाते हुए बेल लेंगे। हमने 6 से 8 पूड़ियाँ बेल लिया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। गैस को ऑन कर लेंगे। सबसे पहले हम तेल को चेक करेंगे। तो एक छोटा सा आटा का टुकड़ा लेके हम तेल में डालेंगे। आप देख सकते हैं अपनी तेल जो है पूरी के लिए गर्म हो चुकी है। हमने ये टुकड़ा डाला तो ये तेल के ऊपर आ गया। हमें अच्छी खासी तेल गरम चाहिए पूड़ी के लिए। अब हम इसमें एक एक पूड़ी को लेंगे और बड़ी ही सावधानी के साथ धीरे से छोड़ देंगे। तो आप देखिए कैसे अपनी पूड़ी छील के आ रही है। पूड़ी डालते ही अपनी पूड़ी तैर के तेल के ऊपर आ गई। अब हम इसे उलट के दूसरे साइड से सेंक लेंगे। कितना बढ़िया कलर आया है अपनी पूरी का। पूरी सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, कभी भी आप पूरी फ्राई कीजिए तो गैस का फ्लेम तेज होना चाहिए, यानी कि तेल एकदम गर्म होनी चाहिए, तभी पूरियाँ ऐसे खिली खिली होती हैं। तो हम चम्मच की मदद से इसे टेढ़ा करके एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी पूड़ी को धीरे से छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी पूड़ी फूल रही है। बहुतों की शिकायत होती है कि मेरे से पूड़ियाँ फूलती नहीं है।
तो हमने आज पूरी, सेवैया, भिंडी की सब्जी, आलू परवल की सब्जी सर्व करने के लिए तैयार कर लिया है। अब चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो अब हम एक प्लेट लेंगे। सबसे पहले हम सेवैया सर्व करेंगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सेवैया तैयार है। ये कितनी बढ़िया तैयार हुई है आप देख सकते हैं। और पूरी के साथ सेवैया किसको पसंद नहीं है। अब हम दूसरे बॉल लेंगे और उसमें हम ग्रेवी वाली सब्जी सर्व करेंगे। ये आप सब्जी देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। हमने आपको बताया था बिना हम लहसुन प्याज का सब्जी ग्रेवी वाली तैयार करके दिखाएंगे। तो हमने सब्जी आलू परवल की सब्जी हमने सर्व कर ली। अब हम भिंडी की सब्जी सर्व करेंगे। तो हम इसमें भिंडी की सब्जी डालेंगे। अब भिंडी की सब्जी भी देख लीजिए एकदम हरी हरी बिना चिपचिपाहट की कितनी बढ़िया सूखी सब्जी तैयार हुई है। ककुम्बर का सलाद काट लिए हैं। ककुम्बर तो सबको पसंद है। अब हम गर्मा गर्म पूरी सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हम चार पूरी सर्व कर रहे हैं। तो ये रही हमारी सेवैया, पूरी, दो सब्जी और सलाद के साथ आज की डिश। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये डिश आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।